हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से नैनीताल का व्लॉग आ गया है। मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला उसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने मुक्तेश्वर वाला ट्रिप नहीं डाला, तो मैंने सोचा कि चलो बीच बीच में मैं ये भी डालती रहूँगी, नैनीताल के व्लॉग्स, और उसके अलावा जो है, जो मेरे घर के व्लॉग अभी मैं बना रही हूँ, मैं वो भी डालना स्टार्ट कर दूंगी। क्योंकि मैं घर पे भी व्लॉग बनाए जा रही थी, लेकिन उनको डालने का समय नहीं मिल रहा था क्योंकि नैनीताल के व्लॉग्स चल रहे थे। तो आज हमारा डे थर्ड था, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये सेकंड पार्ट था। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी अभी, और ये हम मुक्तेश्वर मंदिर की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं अभी, और देख सकते हैं आप मेरी हालत कैसी है। बहुत खराब हालत हो गई थी, और चढ़ाई करते करते ना और भी ज़्यादा थकावट लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, हालत खराब करने वाली चढ़ाई है। यहाँ पे ये मुक्तेश्वर मंदिर बहुत ज़्यादा चढ़ के आए हैं हम, अभी और चढ़ना है। तो यहाँ पे हमने अंदर का बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पे जो भगवान को प्रसाद चढ़ाना और ये सब होता है, थाली यहाँ भी मिलती हैं, वो बाहर से मिल जाती हैं, वो सब हमने ले लिया था, चढ़ा दिया है। और यहाँ पे लोग चुन्नियाँ बांध देते हैं जो प्रसाद की थाली में आती है, तो वो भी मैंने यहाँ पर बांध दी है। और अब यहाँ का व्यू देखने की बारी है, जो कि मेस्मराइजिंग है सीरियसली। यही कर लो ना, मन पूरा कर लो दो बार फिर। यही कर लो ना, कहाँ तक करवा लो। यहाँ पे एक्चुअली जिप लाइन दिख रहा है कि जिप लाइन लोग करवा रहे हैं, और मुझे जिप लाइन करना था। मैंने हस्बैंड से बोला था मुझे वैली के ऊपर वाला जिप लाइन करना है, तो वही सिद्धार्थ कर रहा है मम्मा प्लीज़ अपना मन पूरा कर लो। ये जो दिख रहा था नीचे, पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं, आप यहाँ से जिप लाइन कर लो। और मंदिर से नीचे उतरते हुए बीच बीच में जो मैंने बताया था नींबू पानी वगैरह की स्टॉल थी, तो यहाँ पर हमने नींबू सोडा वाला जो नींबू पानी होता है वो पिया। और देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक फूल के फायदे बताए जा रहे हैं, उसका भी हमने शरबत पिया था। ये जो है ना सफर में जो वॉमिट आता है, सच रहा था, उसके लिए भी बढ़िया रहता है। दो बनवाने से बिल्कुल सर, फूल का होता है ना, बता रहे हैं जी। हाँ सर, मेरे को तो पसंद ही आए। नहीं चीज़ अच्छी है सर, लोग तो सर बोटलें बना के ले जा रहे हैं। हाँ, इसका जो मेडिसिन है ना सर, ये ब्लड प्रेशर हार्ट स्टमा के लिए बहुत अच्छा होता है सर। अच्छा। हाई बीपी को इतना बढ़िया से कंट्रोल करता है ये। मतलब जो बरसों से लोग दवाइयाँ खाते हैं ना सर, धीरे धीरे मतलब इससे हाई बीपी की गोलियाँ दवाइयाँ बंद हो जाती है सर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी हाँ, ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है सर, बुराश। जी हाँ, इसका जो फूल होता है ना, एक रेड कलर का होता है, हल्का महरूम होता है वैसे, इसीलिए इसका जो कलर है ना से देख सकते हैं महरूम कलर है। और इसके अंदर में जो शहद होता है ना, वही आपको जो है मेडिसिन देता है। नींबू ऐसे मार्केट में मिलेगा, मिलेगा नहीं? मिल जाएगा सर, आपको भवाली मिल जाएगा ये नींबू। लेकिन ये नींबू मैम लेमन सोडा 40 है, बुरांश 50 का है। बिल्कुल फ्रेश नींबू है, आप देख सकते हैं ये पहाड़ों का नींबू है। मैं अरे बेटा अभी फायदे सुने नहीं इसके तुमने सर, आपकी एक ना बुरा। मैं आज दम चाहिए मुझे, कुछ नहीं हाथ, कुछ नहीं मेरा कुछ ना, सिर्फ हार्ट के लिए नहीं और भी चीज होगी। दो और कर दो पूरा। मुक्तेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद ये फॉरेस्ट के बीच से ट्रैकिंग करते हुए जाना होता है, दूसरा जो साइट सीन है उसको कवर करने के लिए, जो कि है चौली की जाली। तो काफ़ी दूर तक का सफ़र था, तो इस तरीके से रास्ता बना हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। बहुत चढ़ाई है यहाँ पे, हालत ख़राब हो गई। अब हम यहाँ जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं चौली की जाली। मेरी तबीयत थोड़ी लग रही है गड़बड़, पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ का सीन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे, एकदम वुड्स के बीच में से रास्ता है। ध्यान से चलना बेटा, जड़े हैं पेड़ों की जिससे ठोकर लग रही है, ध्यान से चलो। कितना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पे, बोला था इसलिए मैंने बोला था। अच्छा
चने, ब्लैक चने मिल रहे हैं यहाँ पे। जंगल ही जंगल, नजर डालिए, जंगल ही जंगल, जंगल के बीच से हम चलते हुए जा रहे हैं। ये जो रास्ता था बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और काफी लंबा था, लेकिन चलने में इतना मन लग रहा था क्योंकि दोनों तरफ हरियाली, ऊपर की तरफ पहाड़ दिख रहे थे लेफ्ट की साइड, राइट की तरफ नीचे वैली थी और इतनी ग्रीनरी थी, इतना खूबसूरत माहौल था कि बस मतलब थकावट होते हुए, तबीयत खराब होते हुए भी मेरा कहीं रुकने का मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि बस चलते रहें, यहाँ पे घूमते रहें और जो जो चीज़ें हैं यहाँ की देखने वाली वो सब कुछ कवर कर लें। और इसी पॉइंट को बोला जाता है चौली की जाली, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे भी है और ये रॉक से एकदम एंड पॉइंट होता है यहाँ का, और रॉक एकदम ऊपर की तरफ उठे हुए हैं और उसके ठीक नीचे वैली स्टार्ट हो जाती है, एकदम गहरी सी वैली। तो यहाँ पे ये फ़ोटो सेशन का एकदम पॉइंट था, सभी लोग एकदम भर भर के फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे और हमने भी बहुत सारी पिक्स खिंचाई हैं यहाँ पे। तो पहले तो हमने खूब घूमा इधर से उधर और इस तरीके से रॉक पे बैठ बैठ के सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। देखिए पीछे रॉक है और नीचे पूरा वैली स्टार्ट हो रहा है। और यहीं पे करवा रहे थे एक्टिविटीज़, मतलब कुछ क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ थी उनका भी लगा हुआ था, प्लस जिप लाइन था, एक छोटा वाला जिप लाइन था जो कि हल्का, ज़्यादा गहरा नहीं था, बिल्कुल हल्की सी वैली कवर करता था। और एक ये वाला जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये वाला था, ये बहुत ही लंबा और कहते हैं ना बहुत ही गहरा, इसके नीचे वैली थी वो कवर कर रहा था। तो मुझे तो वही करने का मन था जो पूरी वैली कवर कर रहा था, बहुत गहरा वाला था, पर हस्बैंड ने बिल्कुल करने नहीं दिया मुझे। तो मैंने जो छोटा वाला था जिसके नीचे ज़्यादा कुछ वैली नहीं थी, बस एक आपको थ्रिल मिलता है कि आप वैली के ऊपर से जा रहे हो, तो मैंने वो वाला किया था। तो उसके भी सीन्स आपको आगे मिलेंगे। और नीचे देखो तब तो पता लगेगा। उसके बाद मैंने और सिद्धार्थ ने किया जिप लाइन, जिसमें सिद्धार्थ को बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, आगे आप देखेंगे। और सिद्धार्थ ना बहुत एडवेंचरस है, उसको ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। हमारे कंट्रोल में है मैम, आप भी हमारे कंट्रोल में हो। बिल्कुल नहीं टूट सकती, दो रस्सी कैसे टूट जाएगी, नहीं यार एक और जाएगी, उतना मोटा पेड़ तोड़ दोगे। वो वाला पैर में बदल है, देखो दो रस्सी नहीं टूटेगा ना। हाँ ये तो मैंने देखा। सिद्धार्थ उन लोग से बातें कर करके, क्वेश्चंस पूछ पूछ के उनका माथा चाट गया था और वो लोग भी खूब बातें कर रहे थे, खूब हंस रहे थे इसकी बातों पे और ये हर तरीके के सवाल पूछ रहा था, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि जो भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं वो सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखने के बाद की हैं, और जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं जिनको सालों से तजुर्बा है, उनसे बात करने के बाद और 10-12 लोगों को जिप लाइन करते हुए देखने के बाद ही हमने एक्टिविटीज़ की हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो सारे मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के और अपने रिस्क पे खुद रिसर्च करके, खुद सब कुछ देख रख के तभी करें। जरा वीडियो। वेरी गुड।
गुड वेरी नाइस गुड गुड मजा आ रहा है सिद्धार्थ वेरी गुड वेरी गुड वेली लगा मैम वेली दोनों हाथ फैला लो हाथ खोलो हाथ खोलो हाथ खोलो मैम बच्चे को भी हाथ खोलो आप भी खोलो दोनों हाथ खोलो दोनों दोनों हाथ लाइट भी गई मैम लाइट थोड़ा तकनीक की खराबी आ गई है वेरी गुड आ गई मैम चलो भैया और मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको सिद्धार्थ की आवाज़ जो वो बोल रहा था वो समझ में आई है कि नहीं, लेकिन वो पूरा रास्ता जो हम उड़ रहे थे हवा में उसमें पूरा रास्ता बोलता जा रहा था मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है और करो और मतलब इतना उसको बच्चे को 1% भी डर नहीं लगा और मुझे भी बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा थ्रिलिंग होगा और थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी डर नहीं लगा। मैं हस्बैंड से आके बोल रही थी ये तो मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मुझे तो कुछ थ्रिल महसूस हुआ ही नहीं, डर लगा ही नहीं। तो हस्बैंड बोल रहे थे जब तक तुमको वैली के ऊपर से कोई फ्री फॉल धक्का नहीं दे देगा ना तब तक तुमको थ्रिल महसूस नहीं होगा। मेरा मन था ये वाला, ये सेकंड वाला था जो कि काफ़ी नीचे गहरी वैली थी उसके ऊपर से निकाल करके ले जाते हैं और थोड़ा देर तक वैली के ऊपर आपको होल्ड भी करते हैं, तो मेरा ये वाला करने का मन था। पर हस्बैंड को देख करके डर लग रहा था इसको बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने ये करने की परमिशन मुझे नहीं दी और उन्होंने खुद कोई स्टंट या कोई एक्टिविटी उन्होंने नहीं की क्योंकि उनको डर लगता है और वो राइड्स वगैरह पर भी बैठना जो है ना पसंद नहीं करते। ये वाला बहुत एडवेंचरस था, बहुत थ्रिलिंग था, बट मैंने नहीं किया। पर नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो मैं पक्का करके आऊंगी इसको ज़रूर। तो ये यहाँ से ऊंचाई पे सारा व्यू था। जिपलाइन वगैरह करने के बाद, खूब सारी मस्ती करने के बाद, हमने वहाँ पे ऊपर बहुत सारी स्टॉल्स थी जिन पे लंच वगैरह अवेलेबल था, राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, पकौड़े। तो हमने पकौड़े, चाय खाए थे और राजमा चावल खाया था। तो वो सब खा पी के काफ़ी देर हम वहाँ पे बैठे, घंटा डेढ़ घंटा या मे बी उससे ज़्यादा हम लोग वहाँ पर बैठे, खूब इंजॉय किया। और अब नीचे की तरफ हम चल पड़े हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी वेट कर रही थी। और इस आज के दिन हम थोड़ा जल्दी ही निकले क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है एक तो बहुत लंबा है होटल तक का, और दूसरा थोड़ा रास्ता यहाँ का सकरा था। जब हम आए थे तभी हमने नोटिस कर लिया था, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि वापसी में हम थोड़ा उजाले में ही निकल जाएंगे। तो बस हम यहाँ से जल्दी ही निकल गए और रास्ते में हमने कुछ और मस्ती की है, तो वो आपको आगे दिखेगा। ये देखो यहाँ से कितना डीप है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ तक है ना। ये धक्का देने वाला नहीं, आगे खड़े हो। ओ माय गॉड कितना डीप है। यहाँ के रास्तों की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, इसीलिए बस आप म्यूजिक के साथ ये जर्नी एंजॉय कीजिए।
बहुत बढ़िया, खा के देखो। मीठी है ना, सीधा दी वाली खा के देखो, बहुत अच्छी है। ये सिर्फ यहीं पे होता है क्या? ये सिर्फ यहीं पे होता है? हाँ, इसका सप्लाई होता होगा ना? नहीं, हमारे खेत का होता है, बाकी सप्लाई करते हैं। है ना, यम है ना, बहुत अच्छा है। छिलके के साथ खाते हैं। ये अपने पेड़ के हैं, ये मीठे वाले हैं। सुधा का आराम से आना, दो महीने तक कुछ भी नहीं बचते, दो महीने तक कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल, एक अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मीठे हैं ना, मीठा है। ओह, एप्पल ही एप्पल है यहाँ तो। तोड़ो। और ये क्या है, पेटियों में क्या है? इसको पैर मत मार देना, उसका जिसका एप्पल का होगा नंबर होगा कुछ किसी का भी। ये सब एप्पल है ना? पूरे यहाँ से देखो वहाँ तक, पूरे एप्पल के पेड़। गार्डन ही है। तोड़ो नहीं बेटा, फिर वो फाइन लग जाएगा बेटा, इनको मत तोड़ो। एप्पल ही एप्पल, ढेर सारे एप्पल है यहाँ पे। ये भी एप्पल है, छोटे वाले आड़ू है ये। हमारे थर्ड डे की जो जर्नी है वो यहीं पे ख़त्म होती है। कल हमारा लास्ट डे है नैनीताल में, फोर्थ डे है। और कल की वीडियो ना बहुत एक्साइटिंग है, तो देखना मत भूलिएगा। और ये जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो और ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।